वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज की खबर शिखर सम्मेलन के लिए G20 नेताओं के आगमन की नहीं है, बल्कि घोषित 7 उपचुनावों के समग्र परिणाम की है। इसमें स्पष्ट तौर से विजेता इंडिया है। इंडिया ने भाजपा को 4-3 से हरा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा त्रिपुरा में 2 और उत्तराखंड में 1 सीट जीती, लेकिन उसे केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हार मिली। भाजपा और उसका धनबल अपराजेय नहीं है। आज के नतीजे इंडिया गठबंधन की सफलता का शुभ संकेत हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की धूपगुड़ी सीट पर विजय को लोगों की जीत पर करार दिया। उन्होंने कहा कि धूपगुड़ी की विजय बड़ी जीत है, ये सीट भाजपा के पास थी, ये ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि वह उपचुनावों में भाजपा को हराने वाले लोगों को बधाई देती हैं। भाजपा 5 सितंबर को हुई 7 सीटों के उपचुनाव में से 4 पर हारी है, ये इंडिया की बड़ी जीत है। वह चाहती है कि लोग ऐसे फैसले आगे भी लेते रहें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उपचुनावों में हमें ऐसी जीत मिलेगी। हमें ये जीत फूट डालने की राजनीति के खिलाफ मिली है। वोटों के अंतर से पता चल रहा है कि लोगों का हमारी पार्टी पर कितना भरोसा है। ये परिणाम एक दिशा दिखाती है, ये त्रिपुरा के लिए बहुत बड़ी बात है। असम सीएम ने कहा पीएम मोदी की नीतियों की जीत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों पर भरोसा बनाए रखने के लिए त्रिपुरा के मतदाताओं के प्रति आभार। 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की भारी अंतर से जीत सुखद है। माकपा ने त्रिपुरा की बक्सरनगर और धनपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा की जीत पर सवाल उठाते हुए पार्टी ने इन दोनों सीटों पर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।